नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सोलूशन इन हिंदी पे। और दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो है यहाँ पास लेजरसेट वर्सेस इंकजेट जो है प्रिंटर्स के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो है बेस्ट इंकजेट प्रिंटर, बेस्ट लेजरसेट प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर अच्छा है, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, उसके बारे में हम जो है वीडियो लाएंगे। तो ये वीडियो खासकर दोस्तों उसी सीरीज़ में चल रहा है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि बेस्ट इंकजेट प्रिंटर कौन सा होता है, कौन सी कंपनी का है, ठीक है, और कौन कौन से कंपनी में कौन कौन सा मॉडल जो है अभी बेस्ट चल रहा है, उसमें आप जो है परचेस कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पास चार कंपनी यहाँ पास यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पास, ठीक है। फर्स्ट है HP, दूसरा ब्रदर, थर्ड है कैनन, और फोर्थ है आपका एप्सन। तो ये चारों कंपनी का जो लमसम जो मॉडल अभी जो रनिंग कंडीशन में है, वो मॉडल का मैं आपको नाम बताऊंगा, प्राइसिंग बताऊंगा, ठीक है, जो आप जो है अपने बजट के हिसाब से जो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैं एक मॉडल ऐसा बताऊंगा जो कि आप जो है नॉर्मली परचेस कर सकते हो, जो कि आपके बजट में ही फिक्स रहेगा, ठीक है, तो इस मॉडल पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब से आपको जो है कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, हर दिन एक वीडियो मिलेगा टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जो है इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो जो है कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो चलते चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि कौन सा प्रिंटर आपको जो है लेना चाहिए, ठीक है, इंकजेट में। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे चलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम जो है अब आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पास मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रिंटर आप जो है ले सकते हैं। यहाँ पास मैं अलग अलग कंपनीज पे अलग अलग जो है प्रिंटर्स यहाँ पास जो है सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, जो मैं भी आपको उसका रिव्यू थोड़ा दिखाऊंगा। लेकिन जो है अगर मैं एक एक वीडियो एक एक जो है प्रिंटर का रिव्यू अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको, तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा 20-25 मिनट का बन जाएगा। इस वजह से मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा, और जो प्रिंटर आप ले सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो दिखाए गए हैं वो प्राइस एक्चुअल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है कंपैरिजन जो है आप शॉप या ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन जो है अलग अलग साइट में करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा अमेज़ॉन पे, ठीक है। ये जो अभी दिखा रहा हूँ मैं, ये अमेज़ॉन का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास मैं जो है इसकी जो यहाँ पास इसका जो स्पेसिफिकेशन जो है बहुत अच्छे से दिखाया है, इस वजह से इसका लिया हुआ हूँ मैं इस साइट का, ठीक है। तो चलिए, इसमें मैं यहाँ पास HP में पाँच मॉडल आपको बताऊँगा। HP में जैसे कि पाँच मॉडल कौन कौन सा है, वो है HP में GT आपका 5810, GT 5820 उसके बाद है HP 3119, उसके बाद है 415, उसके बाद जो है 315। ये सारे मॉडल मैं भी आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हम फर्स्ट में अगर आपको यहाँ पास देखें तो फर्स्ट मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ वो HP GT 5810 कलर ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर। तो दोस्तों, मेरा सबसे पहले बात करूँ तो HP में ये रहता है कि HP में जो नॉर्मल जो छोटे मॉडल्स आते हैं वो जो है कार्ट्रिज वाले होते हैं, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जो है टोटल भरोसा करते हैं तो इंक टैंक प्रिंटर पे ही भरोसा किया जा सकता है अभी के डेट पे, ठीक है। लेकिन आप जो है कॉटरेज वाला प्रिंटर बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, उसमें 100 से 50 कॉपी जो है निकलता है, ठीक है। ये जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर सुधार करके इंक टैंक प्रिंटर लाया है जो है HP जो है, तो ये बहुत अच्छा है। तो जैसे HP में इस मॉडल का देख सकते हैं आप जो है 5810 का, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। इसका जो स्पेसिफिकेशन आप वहाँ से जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये प्रिंटर जो है आपका लगभग 10,000 के आसपास में आएगा। ये प्रिंटर जो है काफ़ी अच्छे प्रिंटर है, ये जो है 10,000 के रेंज में ऑल इन वन रहेगा आपका, स्कैनिंग फोटो कॉपी, ठीक है, स्कैनिंग फोटो कॉपी सभी होगा इसमें। आप जो है दूसरा मॉडल देखते हैं दोस्तों, दूसरा मॉडल आ जाता है आपका 5821, ठीक है। तो ये जो है HP GT 5821 कलर ऑल इन वन प्रिंटर ये भी है, और ये भी प्रिंटर जो है आपका इंक टैंक प्रिंटर है, और ये जो है लगभग 13,000 के आसपास आएगा, ठीक है। और इसमें जो है खासियत ये दी है कि सेम प्रिंटर है ये जो है 5810 की तरह, लेकिन इसमें जो है क्या है, इसमें जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट ये दिया हुआ है कि इसमें जो है वाईफाई दिया हुआ है, यहाँ पास वाईफाई प्रिंटिंग यहाँ पास दिया हुआ है। आप जो है इसका ऐप डाउनलोड करके आप जो है वाईफाई प्रिंटिंग जो है यहाँ पास कर सकते हो, ठीक है। और जो है नीचे अगर आप देखें तो इसका भी इसका जो स्पीड वगैरह है या फिर PPM वगैरह है, तो आपका ऐसा कुछ नहीं है। जो जो है मोबिलिटी मतलब ई प्रिंट जो है HP ई प्रिंट अगर आप जो है ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये भी ऑटोमेटिक मोबाइल से आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, और A4 साइज़ का प्रिंटर है ये जो है, ठीक है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रिंटर यहाँ पास आता है HP में 319 कलर ऑल इन वन प्रिंटर, ये भी है इंक टैंक साथ में दिया हुआ है, देख सकते हैं इसका लुक वाइज, देख सकते हैं प्रिंटर तो बहुत अच्छा दिख रहा है लुक वाइज, लेकिन जो है आपके काम में उस तरीके से अच्छा है कि नहीं, ये जो है यहाँ पर देखिए
देखिए यहाँ पास इसका प्राइस दिया हुआ है लगभग ये भी आपका 11,000 के आसपास आएगा ये प्रिंटर जो है, ठीक है। और इसमें भी आप जो है प्रिंट प्रिंट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और फोटोकॉपी जो है कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रिंटर है एचपी में, वो जो है 415, ठीक है। एचपी का 415 जो है ऑल इन वन, ये भी प्रिंटर है ऑल इन वन, और ये भी इंक टैंक प्रिंटर है और इसमें भी वाईफाई दिया हुआ है, ठीक है। ये 13,000 के आसपास आएगा ये प्रिंटर दोस्तों। और उसके बाद लास्ट मॉडल है एचपी में जो आप ले सकते हो, तो वो जो है आपके बजट में जो आप ले सकते हो एचपी में, 315 कलर ऑल इन वन इंक टेन प्रिंटर, ठीक है। लेकिन इस पे जो है वाईफाई प्रिंटिंग नहीं दिया हुआ है, ये भी 11,000 के आसपास ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप मॉडल के हिसाब से यहाँ पर सर्च करके देख सकते हो, इजिली आप जो है घर पे इसको रिफिल कर सकते हो इसका टोनर वगैरह कलर वगैरह लेके, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सारे मॉडल में आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके बजट पे जो है एकदम कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो आपके बजट में जो है आ जाए। तो इसमें दोस्तों आपको मेरे ख्याल से जो है ये मॉडल जो है एचपी में बहुत ज़्यादा चलता है, 5810 जो है ये मॉडल जो है बहुत ही अच्छा मॉडल है यहाँ पास एचपी पे। अगर आप जो है एचपी पे जाना चाहते हो, एचपी में लेना चाहते हो प्रिंटर, तो ये बहुत अच्छा प्रिंटर है, ये आप जो है ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहता, अगर आप जो है चारों जो कंपनीज आप अगर देख लें, तो आप उसके बाद ये कंपेयर करके आप जो है लेंगे कि कौन सा प्रिंटर आपको लेना चाहिए कि कौन सा प्रिंटर आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप कोई सा भी प्रिंटर ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप जो कंपेरिजन एक बार देख लीजिएगा कि कौन से कंपनी में कौन सा प्रिंटर ले। लेकिन मैं अगर आप एचपी में जाते हैं तो मैं बोलूँगा अगर इस रेंज में लेना है 10,000 के आसपास, तो आप जो है ये 5810 प्रिंटर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको 10,000 का बजट ही है और आप लेना चाहते हो, तो और आगे वाली कंपनी में भी यही बजट में बहुत सारे प्रिंटर है, ठीक है। लेकिन मैं मुझसे अगर कोई पूछे तो कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, तो मैं तो एक ही जवाब देता है कि एप्सन ही रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये मॉडल एचपी वगैरह जो है टोटल लेजर जेट प्रिंटर में सक्सेस है, एचपी जो है इंक जेट में सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसमें बात करते हैं, हम जो है दूसरी कंपनी में बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पास हम ब्रदर पे बात करते हैं। तो दोस्तों ब्रदर प्रिंटर में देख सकते हैं, ब्रदर में ज़्यादा मुख्तर मॉडल नहीं है, इस वजह से यहाँ पास जो है ब्रदर का एक ही मॉडल कुछ मॉडल है, लेकिन जो है अगर प्राइसिंग की बात करें तो कुछ ऊपर और नीचे बस है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें जो मॉडल्स है उसमें प्राइस वगैरह में। तो यहाँ पास मैंने यहाँ पास ब्रदर का 3 मॉडल यहाँ पास सेलेक्ट किया है, जैसे कि ब्रदर T500W, ये भी एकदम कलर प्रिंटर है ऑल इन वन है, ठीक है। ये भी इंक टैंक प्रिंटर है, ठीक है। और ये जो है लगभग आपका 11,500 के आसपास जो है आएगा, 11,000 के आसपास आएगा प्रिंटर जो है। और इसमें जो है आप स्कैनिंग फोटोकॉपी और प्रिंटिंग जो है किसी सब चीज़ कर सकते हो इसमें, 1 ईयर की वारंटी रहेगी इसमें भी, ठीक है। आप इसका भी कंपेरिजन कर सकते हो साइट पर जाके, इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है आप जो है चेक कर सकते हो। अब उसके बाद इसमें जो है दूसरा मॉडल है वो जो है ब्रदर T300, ये जो प्रिंटर है ब्रदर में सबसे ज़्यादा चलने वाला मॉडल है इस रेंज में, ठीक है। 10,000 के आसपास ये प्रिंटर आएगा, ठीक है। और इसमें भी 1 ईयर की वारंटी है और ये प्रिंटर भी आपका ऑल इन वन प्रिंटर है। इसमें भी आपको जो है प्रिंटिंग, स्कैनिंग और जो है फोटो कॉपी, ये सब तीनों चीज़ आप जो है इसमें कर सकते हो। और इसके बाद तीसरा मॉडल है, इसमें जो है ब्रदर DCP T510W, ये मॉडल भी बहुत अच्छा है, ये भी 11,000 के आसपास का मॉडल है ये, और ये मॉडल भी आप रख सकते हो। ये तीनों मॉडल जो है लगभग सेम प्राइस का है और ये तीनों मॉडल में से कोई सा भी आप रख सकते हो, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब वो है आप जो है ये मॉडल जो है रखिए। आप ब्रदर में अगर लेना चाहते हैं तो ब्रदर 300 कलर इंक टैंक प्रिंटर ये जो है आप ले सकते हो, 10,000 के आसपास आएगा। नॉर्मल जो भी यूज़ हो आपका ये कर सकते हैं आप, जो है इसकी जो है और स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं इसमें, इसमें जो है डिस्प्ले वगैरह दिया हुआ है प्रिंटर में, ठीक है। ये अलग है इसमें, जैसे कि नॉर्मली एप्सन वगैरह में कुछ मॉडल्स में नहीं दिया रहता है, जो कि इस सीरीज पे ये प्राइस के हिसाब से। तो और नीचे में देख सकते हैं स्कैनिंग किस तरह से है, ठीक है। कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको जो है ऑपरेट कर सकते हो आप जो है, और इसमें वाईफाई बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल से। ब्रदर प्रिंटर में मैं जहाँ तक अभी तक यूज़ किया हूँ कलर में, यहाँ पास वाईफाई वाला प्रिंटर अभी तक मैं यूज़ तो नहीं किया हूँ इसका वाईफाई प्रिंटिंग कलर में ब्रदर में, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ब्रदर में आप जो है T300 जो है यूज़ कर सकते हो इंकजेट प्रिंटर में। अब जो है इसके बाद जो बात करते हैं दोस्तों हम जो है कैनन प्रिंटर में, कैनन प्रिंटर में कौन सा मॉडल जो है बहुत अच्छा है और कौन कौन से मॉडल जो है आप रख सकते हो कैनन में, ठीक है। तो चलिए हम कैनन का एक बार बात करते हैं, कैनन का कौन कौन से मॉडल आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों कैनन में भी बहुत सारे मॉडल आते हैं, जैसे एप्सन में बहुत बहुत सारे मॉडल आते हैं एक ही प्राइस
रेंज में। तो इसमें जैसे कि हम यहाँ पास बात करते हैं अभी 11-12 हज़ार 10 हज़ार के रेंज के हिसाब से, तो यहाँ पास जो है कैनन प्रिंटर में यहाँ पास आप ले सकते हैं। आप जो है कैनन का G3010 कलर ऑल इन वन प्रिंटर है, ये भी इंक टैंक सिस्टम है, ठीक है। आप जो इसमें भी यहाँ पास इसके फ्रंट में यहाँ पास दिया हुआ है इसका जो इंक टैंक है वहाँ पास जो है आप रिफिल कर सकते हो इसको, और इसमें भी आपको स्कैनिंग फोटोकॉपी और जो है प्रिंट कर सकते हो इसमें, और ये 12 हज़ार के आसपास आएगा दोस्तों ये प्रिंटर जो है। उसके बाद जो है कैनन का ये वाला प्रिंटर आ जाता है आपका G3000 कलर इंक टैंक प्रिंटर। इसमें भी प्रॉब्लम जैसे दोस्तों इप्सन में आता है जो सर्विस का प्रॉब्लम आता है, इसमें भी वही B200 का प्रॉब्लम इसमें भी आता है, सर्विस का प्रॉब्लम आता है। इसमें भी सॉफ्टवेयर से आप जो है रिसेट करना पड़ता है, यही प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे कि इसमें बहुत सारे जैसे G3000 यहाँ पर बताया मैंने, इसमें 2000 भी आता है, इस सीरीज़ में भी आता है। इसमें भी बहुत सारे मॉडल है कैनन में, जैसे कि एप्सन में बहुत सारे मॉडल है इसी तरीके से, और इसमें जो है एक ही सर्विस टूल से यानी कि ड्राइवर से आप जो है कोई सा भी मॉडल जो है रिसेट कर सकते हो। आप जो है बहुत सारे जो है टूल्स मतलब एक ही टूल्स में आप जो है बहुत सारे मॉडल को इसमें रिसेट कर पाओगे, इसके जो जो रिसेटर टूल जो आता है इसमें, ठीक है। अब इसके अगला मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पास कैनन G2012 आएगा, ठीक है। ये भी 10 हज़ार के आसपास का प्रिंटर है, ये भी ऑल इन वन है, इंक टैंक प्रिंटर है ये भी, लेकिन इसमें कोई से भी मॉडल में आपका वाईफाई नहीं दिया हुआ है दोस्तों। 1 साल की वारंटी इसमें भी मिलेगी इसमें आपको, ठीक है। और ये तो है 10 हज़ार के रेंज में बहुत अच्छा प्रिंटर, ये भी आप कैनन में ले सकते हो अगर कैनन आपको यूज़ करने में अच्छा लगता है तो। कोई से भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो यूज़ कर सकते हो इसमें। उसके बाद जो है नेक्स्ट मॉडल इसमें आ जाता है दोस्तों, इसमें जो है कैनन G4010 आएगा। इसमें ये भी ऑल इन वन कलर प्रिंटर है, इंक टैंक प्रिंटर है ये भी, इसमें भी इंक टैंक दिया हुआ है। इसमें जो है आपका इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है ऊपर में, और इसमें क्या है कि आपका डुप्लेक्स प्रिंटिंग इसमें आप जो है कर सकते हो। इसमें जो है ADF एक्स्ट्रा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, इसमें ADF दिया हुआ है, ऊपर में डिस्प्ले दिया हुआ है, आप जो है इसमें डुप्लेक्स प्रिंटिंग जो है कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 15 हज़ार के रेंज में आपको जो है डुप्लेक्स प्रिंटिंग मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। अब जो है बात करते हैं इस सब में बेस्ट मॉडल कौन सा है, तो बेस्ट मॉडल जो है आपका कैनन जो है G3000 इसमें बेस्ट मॉडल है। आप जो है ये परचेस कर सकते हो अगर कैनन आपको लेना होगा तो, ये बिल्कुल भी परचेस कर सकते हो आप। अब जो है बात करते हैं लास्ट कंपनी दोस्तों जो कि है एप्सन, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर कलर प्रिंटिंग में अगर मॉडल होंगे तो सबसे ज़्यादा एप्सन के पास ही कलर प्रिंटर में मॉडल हो गया, ठीक है। उसमें लेकिन दिक्कत यह होता है कि एप्सन जो है क्यों इतना सारा मॉडल निकालता है ये भी तो मेरे को भी समझ में नहीं आता। जो है सेम जो स्पेसिफिकेशन मतलब कुछ कुछ अंतर करके जो है सेम मॉडल एक सीरीज उतार देता है एप्सन जो है, लेकिन उसका प्रिंटर लेकिन रहता भी वैसी क्वालिटी का है, ठीक है। उसमें भी एक ही प्रॉब्लम आता है, वो भी सर्विस रिक्वायर्ड, जो कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है जिससे हम सॉफ्टवेयर से रिसेट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उसमें भी जो है आपको नॉर्मल जो कोई मॉडल आप जो ले सकते हो उसी के हिसाब से हम जो है उसका भी एक बता देते हैं कि कौन सा मॉडल आप उसमें भी परचेस कर सकते हो और कौन सा उसमें बेस्ट है जो कि आपको लेना चाहिए आपके बजट में, ठीक है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि एप्सन में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि एप्सन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि एप्सन कितना चलता है और इसकी जो है लो यानी कि कम बजट पैसे में जो है अच्छी प्रिंटिंग जो है ये करके देता है। लगभग इसका सारे प्रिंटर्स में लगभग 8-7 या 8 से पैसा जो ब्लैक लगता है और जो है 18 पैसे के हिसाब से इसमें कलर कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कुछ मॉडल आपको दिखाएंगे, वैसे तो इसमें इतना सारा मॉडल आता है कि कोई सा भी आप ले सकते हो, लेकिन जो है किस सीरीज़ में आपको लेना चाहिए किस रेंज में वो देख सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल में यहाँ पास आपको M200 सीरीज़ एम सीरीज़ का दिखाता हूँ, तो एम सीरीज़ में जो है इंक टैंक प्रिंटर तो रहता है लेकिन ये जो है कलर नहीं रहता है, इसमें टोटल ब्लैक एंड व्हाइट होता है। आप जो है इंक रहता है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट मतलब लेज़र टाइप से ही आप जो कंपेयर कर सकते हैं एक जो अगर करना चाहे तो, मतलब लेज़र में आपका टोनर से होता है लेकिन इंक इंक इसमें जो है इंक से ब्लैक, इसमें टोटल आप जो है ब्लैक इंक रहेगा और ब्लैक इंक ही रिफिल कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये व्हाइट इंक टैंक प्रिंटर है, ब्लैक एंड व्हाइट इंक टैंक प्रिंटर है, ठीक है। इसमें ADF दिया हुआ है और इसमें वाईफाई दिया हुआ है, आप वाईफाई से ऑपरेट कर सकते हो। इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो है ये भी ही डुप्लेक्स प्रिंटर है दोस्तों। इस ये जो है आप जो है अगर सिंगल जेट प्रिंटर चाहते हैं तो ये आप जो है बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बाद जो है मैं हाईली न्यू लॉन्च G-SPAN का 2018 मॉडल की बात करूँ तो ये यहाँ पास है एप्सन 4160 L4160। इसमें एक और मॉडल आता है एप्सन 4150, ठीक है। तो इसमें दोनों में खासियत यह है कि एक में ADF दिया, सॉरी एक में डुप्लेक्स है और एक में डुप्लेक्स नहीं है, ये इसमें खासियत है। 4160 में इसमें डुप्लेक्स सिस्टम है और जो है आपका 4150 में उस पर डुप्लेक्स नहीं दिया हुआ है,
बस यही अंतर है दोनों में, और प्राइस में भी लगभग 500-700 रुपये का अंतर है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें भी आप जो है, इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है, इसमें खासियत ये रहेगा दोस्तों आपको कि इसमें आप जो है डायरेक्ट जो है पेन ड्राइव यूएसबी रिकॉर्ड सॉरी कॉर्ड रीडर लगा के आप जो है इसमें प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पास प्राइसिंग भले यहाँ पास आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 17,287, लेकिन ये आपको 15,000 के आसपास पड़ेगा। ये प्रिंटर जो है ऑल ऑल इन वन है, प्रिंटिंग स्कैनिंग और आपको फोटोकॉपी तीनों कर सकते हैं आप जो है इसमें। इसमें नया चीज़ ये दिए हुए हैं इस सीरीज़ में दोस्तों कि जैसे कि आपने कैनन का प्रिंटर देखा होगा, ब्रदर का प्रिंटर देखा होगा, इसमें इंक टैंक जो है इनबिल्ट रहता है, अंदर में रहता है, वही सिस्टम इसमें भी दिया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा है, नया प्रिंटर है, इसमें ले सकते हैं आप। उसके बाद जो है यहाँ पास अगर हाईली बजट थोड़ा आपका बजट ज़्यादा है तो हम इसी में और क्वालिटी चाहते हैं आप, तो यहाँ पास एप्सन L6160 यहाँ पास ऑल इन वन कलर इंटैक प्रिंटर है। इसमें भी आप जो है फोटो कॉपी स्कैनिंग जो है कर सकते हो आप जो है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें ये रहेगा कि ये इसकी क्वालिटी जो है अलग ही रहेगी। यहाँ पास जिस हिसाब से रेंज है इसका 18,000 के आसपास आएगा ये, तो इस हिसाब से ये प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छा देगा, ठीक है। लेकिन ऑल इन वन प्रिंटर इतना महंगा मत लेना, ये मैं खुद बोल रहा हूँ आपको कि ऑल इन वन प्रिंटर इतना महंगा नहीं लेना चाहिए। इसी में अगर आप छोटा मॉडल देखें, सेम प्रिंटर है, छोटा मॉडल है ये जो है, ये भी नया प्रिंटर, न्यू लॉन्च मॉडल है ये भी, 3110 कलर, और ये भी ऑल इन वन इंकटैंक प्रिंटर है, ठीक है। इसमें भी आपको स्कैनिंग फोटोकॉपी और प्रिंट तीनों होगा, और इसमें भी 1 साल की वारंटी है दोस्तों आपको। लेकिन ये जो है कि इसमें शर्त रहता है कि कुछ प्रिंट आप अगर उससे ज़्यादा निकाल देते हैं 1 साल के अंदर तो आपकी वारंटी जो है ख़त्म हो जाती है। अब जो है लास्ट जो प्रिंटर हम इसमें बात करते हैं वो जो है L380, ये मॉडल जो है L220 के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। इसमें 220 जो है इसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल था एप्सन कंपनी का, जो कि जिसकी अब अगर आप एप्सन प्रिंटर यूज़ करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि इसकी कि 220 मॉडल कितना सक्सेसफुल मॉडल है। सेम सीरीज है, बस मॉडल इसमें कुछ अलग चेंजेस करके ये मॉडल दिया हुआ है। ये मॉडल आपको 10,000 के आसपास आएगा दोस्तों, ये साइट की वजह से यहाँ बस 11,000 बता रहे हैं, लेकिन ये मॉडल भी आपको 10,000 के आसपास ही मिलेगा, और ये बहुत अच्छा प्रिंटर है अगर आप 10,000 के बजट पर देखें तो। इसमें अगर 382, 383, 385 ये मॉडल भी आप सॉरी 385 नहीं 382 ये भी मॉडल यहाँ पास आते हैं, और 11,000 के रेंज में एक 409 मॉडल जो है, 405 मॉडल जो है एक और आया है, वो भी आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, वो भी बहुत बढ़िया मॉडल है। तो इसमें लेकिन 10,000 के रेंज में अगर आप कोई अच्छा प्रिंटर ढूंढ रहे हो तो ये प्रिंटर की मैं आपको सलाह दूंगा एप्सन में। अब दोस्तों बात करते हैं चारों कंपनी में आप कौन सा प्रिंटर लेना चाहेंगे, कैनन, एचपी, ब्रदर या फिर एप्सन। तो देखिए सब में मैंने जैसे कि मैंने दो जो प्रिंटर में जो खामी था, जैसे कि एचपी में बताया कि वो ज़्यादा प्रिंटिंग नहीं कर सकता वो जो है, ठीक है, ज़्यादा आप हैवी ड्यूटी नहीं दे सकते उसको, लेकिन इसको जितना ड्यूटी भी देंगे या एप्सन को उससे भी कम वो उसका भी उसका रहता है, ठीक है। अब ब्रदर भी ले सकते हो, ब्रदर भी बहुत अच्छा मॉडल है, वो जो मैंने आपको T300 बताया है वो भी बहुत अच्छा मॉडल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन और जो है कैनन में भी अच्छे अच्छे मॉडल है, जैसे कि मैंने आपको बताया G3000, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो है मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा कि आप जो है Epson 380 भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है वैसे तीनों कंपनी में जो हमने प्राइसिंग के हिसाब से एकदम एचपी का छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि एचपी मैथ मेरे हिसाब से एचपी जो है कलर में सक्सेसफुल है ही नहीं इंक टैंक में, ठीक है। तो यहाँ पास कैनन, एचपी, ब्रदर में तीनों सॉरी कैनन, ब्रदर और एप्सन में तीनों में से कोई सा भी प्रिंटर आप जो है ले सकते हो दोस्तों। और अगर आप जो चाहते हैं कि मैं जो इसके ऊपर पर्टिकुलर एक एक कंपनी ऊपर एक एक मॉडल के हिसाब से वीडियो बनाऊँ कि कौन सा प्राइस में कौन सा किस तरह से लेना चाहिए, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में मेरे ख्याल से कमी कुछ रहा होगा, बहुत सारी कमी रही होंगी, मेरे को लगता भी है इस वीडियो में कुछ कमी रह रहा है, क्योंकि इस वीडियो को मैं किस तरीके से बनाऊँ ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी सारी कंपनी है और मैं चाहता था कि ज़्यादा वीडियो ना बनाऊँ, एक ही वीडियो में जो है इसको पूरा बता दूँ। तो इस हिसाब से इस वीडियो को इस तरीके से बनाया हूँ, नहीं तो अगर आप चाहते हैं इसको अच्छे से समझना तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं जो है उस वीडियो को इन सब के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग मॉडल के हिसाब से। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।